आप लोगों ने कर दिखाया है 10 दिन में 10 किलो वेट कम। एक बार फिर 21 डेज चैलेंज का रिजल्ट अमेजिंग रहा। आप लोगों को ग्रुप में जोड़कर और डाइट फॉलो करवाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है नामिका दुबे। हमने बोला कि सेकंड वाला आएगा, तो मैंने उसमें किया और जब मैं मैम से मिली और मैं कनेक्ट हुई ना, तो भाई क्या ही बोलूँ मैम के बारे में। यानी कि 6 जून से स्टार्ट होना था, बट मैम ने 5 जून को हम सबको सब कुछ बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। मैम ने सबसे पहले बोला स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट डे वो एक दो दिन में लोगों के मैसेज आए ग्रुप पे कि मेरा इतना लॉस हो रहा है, मेरा इतना लॉस हो रहा है। हर एक डाउट ही क्लियर होता गया मेरा। तो मेरे को कोई वेट लॉस की जर्नी में ना, मतलब मैम ने जैसे जैसे बताया ना, सब कुछ आने लगा। फिर तो हर एक प्रॉपर तरीके की डाइट, मतलब डाइट में भी हम लोगों का ऐसा फील नहीं हुआ कि हम ये सब खाना खा रहे हैं ना। हमने सब कुछ करवाया है ना, हर एक चीज़, हर एक पोर्शन, कैलोरीज कैसे लेनी है, सब कुछ नॉर्मल घर की चीज़ों से आपका वेट लॉस करा रहे हैं। ये तो भाई क्या, मतलब घर की चीज़ों से आप खा के वेट लॉस कर सकते हो तो और क्या ही अच्छा है। सर मैं तो मैम के साथ मिलकर मतलब बहुत खुश हूँ, क्या ही बोलो मैम के बारे में। मैम इतनी अच्छी है, उनका दिल इतना अच्छा है। 16-17 डेज जितने भी 21 डेज हो रहे हैं ना, मैंने हर एक दिन हर एक चीज़ नहीं सीखी है उनसे। वो इतना पॉजिटिव है, उनकी वजह से मैं पॉजिटिव रहने लगी। स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, छोड़ती हूँ कि छोड़ दो भाई, क्या फ़ायदा। अब इसी को बता रही हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे वेट लॉस करवा, ज़रूर मैं भी दूसरों का करवाऊँगी। मैम से ही सीख के, मैम की स्टूडेंट, मैम की वेट वॉरियर हूँ। मैंने अपना वेट लॉस किया है, मेरा 80 kg था वेट। 80 से मैंने 70 kg वेट किया ओनली 15 डेज में। मेरा 21 डेज का चैलेंज था, लेकिन मैंने 15 डेज में ही कर दिखाया था। और ये सब हुआ है मेरी जोया मैम की वजह से। उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया था, वो मेरी मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने मतलब मेरा भी ये, मैंने जिनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरी नैया पार कर दी। मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, लोग मुझे ऐसे मोटी मोटी कह के बोलते थे, लेकिन आज सब लोग मेरे को ये पूछते हैं कि यार क्या हो गया, क्या खा रहे हो आजकल, क्या डाइट ले रहे हो। तो मैंने बताया भी है सभी लोगों को, मैंने सभी लोगों को जोया मैम के बारे में बताया भी है, उनका नंबर भी दिया, मैंने उनकी लिंक भी शेयर किया है। हाँ, तो मैं तो बस यही बोलूँगी, उन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया है ना। खाना ऐसे बोलते ना, खाना छोड़ दो, मेरे से खाना भी नहीं छुड़वाया है बार बार, और बोला है कि ये खाओ वो खाओ, हेल्दी खाने के लिए बोला है, पानी पीने के लिए बोला है बार बार, इतना अच्छे से गाइड किया है मुझे। थैंक यू सो मच मैम, रियल में ही मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको, सीरियसली दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे यार। मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम थी, मैंने इतना मतलब ये क्या बोलते हैं, पैसा भी वेस्ट किया था, मेरे पैरों में कितना दर्द होता था, मैंने आपको बताई भी थी, अपनी सारी बातें आपको शेयर भी की थी। इतना मैं डॉक्टरों को पैसा मैंने लगा दिया है, और मैंने आपके पास ओनली 500 सबमिट किए थे, और आपने मेरे को क्या से क्या बना दिया, उसके लिए यार सच में तहे दिल से थैंक यू यार, थैंक यू सो मच बेस्टी। रियलिटी में सैल्यूट है आपको, थैंक यू। मेरी डाइट ना सबसे अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोवा स्टाइलिंग एंड फैशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के कहने पर लेकर आई थी 21 डेज वेट लूज चैलेंज, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उस चैलेंज का, जो अभी खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट शेयर करने वाली हूं, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी बात बताने वाली हूं जिससे आप लोग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो। अगर चाहते हो कि आपके साथ धोखा ना हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जितनी खुशी मुझे 21 डेज चैलेंज के रिजल्ट की है ना, उतना ही दुख मुझे एक बात का है कि मेरे साथ, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन उस गलत चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की खुशी के साथ। तो बात कर लेते हैं 21 डेज चैलेंज के रिजल्ट की। तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, ग्रुप मेंबर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सभी ने कम मिनिमम 2 किलो से स्टार्ट होकर और हाईएस्ट 12-13 किलो तक वेट लूज किया है। बहुत सारे लोगों ने 2-3-4 किलो वेट लूज किया, बहुत सारे लोगों ने 5-7-8-10 किलो वेट लूज भी किया, और 10 दिन में भी 10 किलो वेट लूज किया, और हाईएस्ट हम लोगों ने 11-12-13 किलो तक वेट लूज किया है। और मैं यहां नाम लेना चाहती हूं रेखा महलावत जी का, जिन्होंने 10वें दिन जब हमने रिजल्ट देखा, 10वें दिन हमने वेट चेक किया था, उस दिन उन्होंने 10 डेज में 10 केजी वेट लूज कर लिया था, जिन्होंने कमाल ही कर दिया। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें कांग्रेचुलेशन विश कर दीजिए। अब बात करना चाहती हूं रानी मेहता जी की, जिन्होंने हाईएस्ट
13.2 केजी वेट लूज किया है पूरे 21 डेज जर्नी में, उनको भी फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए। साथ ही मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, एक बार फिर से आप लोगों ने मुझे प्रूव कर दिया। आप लोगों ने मुझे फर्स्ट ग्रुप में भी प्रूव करके दिखाया था और अब दोबारा से आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि घर में रहकर घर का सिंपल खाना खाते हुए, ना कोई हमने डाइट की, हमने सिंपल घर का खाना खाया है, बिना डाइट किए, बिना जिम किए, बिना एक्सरसाइज किए, सिंपल घर का खाना खाते हुए एक हेल्दी तरीके से इतनी जल्दी इतना अच्छा वेट लूज कर सकते हैं। तो सभी को कहना चाहूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये ग्रुप मैंने आप लोगों के कहने पे बनाया था और आप लोगों के कहने पर मैंने कर भी दिखाया है, लेकिन मैंने सोचा था अब आगे मैं कभी कोई ग्रुप नहीं लेकर आऊंगी। फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोज पर, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे ग्रुप वाले नंबर पे कि प्लीज मैम और ग्रुप बनाइए, प्लीज मैम हम रह गए हैं, प्लीज मैम हम इस ग्रुप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट ग्रुप में भी थे, सेकंड ग्रुप में भी थे, वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छे से वेट लूज करते हैं जब आप ग्रुप में होती हो। मैंने सबको कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को सब इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन फिर भी वो लोग कहते हैं ग्रुप में आपके साथ जुड़कर मजा ही अलग है। तो देखिए अभी मैं इस चीज़ के बारे में आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने नहीं सोचा था आगे कोई और ग्रुप लाने के बारे में। स्टिल अगर आप लोग इतना बोलोगे, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस बारे में सोचूंगी, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, बट अभी मेरे कोई भी प्लान्स नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, क्या सोचते हो आप इस बारे में, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो ये तो थी ग्रुप की बात, अब एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस ग्रुप में भी और जो पहले ग्रुप लाई थी उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो मेरी डाइट्स को कॉपी कर रहे हैं, मेरे डाटा को कॉपी कर रहे हैं, और वो लोग खुद यूट्यूबर्स हैं, डाइट बताते हैं और मेरा सारा डाटा कॉपी करके यूट्यूब पर भी शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग ग्रुप्स बना बना के मेरा डाटा शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा सारा डाटा कॉपीराइट एक्ट आता है। दूसरी बात कि जो ये लोग ऐसा कुछ भी कर रहे हैं ना, इस सब चीजों की जानकारी खुद आप लोगों ने ही मुझे दी है और मुझे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कोई बात नहीं, कि किसी ना किसी की मदद ही हो रही है, बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान हैं, शायद उनकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरे नाम पर आप लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है। आप लोगों ने ही खुद मुझे बताया है, ग्रुप मेंबर्स ने ही मुझे आगे से बताया है कि उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि हम ज्योति मैम के बिहाफ पर बोल रहे हैं, या ये 21 डेज चैलेंज जो जोवा स्टाइलिंग का है हम उनके बिहाफ पर बोल रहे हैं, और उनका ऐसे कोई अलग ग्रुप है उसमें आप इतनी पेमेंट कर दीजिए और आप जुड़ जाइए। तो मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कोई और ग्रुप मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहती आप ऐसे किसी भी फ्रॉड या फेक चीज़ में फंस जाओ। अगर आप लोगों के कहने पर मैं दोबारा कभी ऐसा कोई ग्रुप लेकर आई तो मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दूंगी। अपने मुंह से मैं जो डिटेल्स आपको बताऊंगी, जो बातें मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी, वो मैं अपने मुंह से यहां अपने चैनल पर शेयर करूंगी। उसके अलावा किसी भी फ्रॉड कॉल, मैसेज या ऑडियो पर आप बिल्कुल मत जाइए। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी ऐसे फ्रॉड में ना फंसे, और अगर आप कहीं मेरे नाम पर कोई पेमेंट करते हैं तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे फैमिली मेंबर्स हो, मैं नहीं चाहती आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ज़रूरी लगी और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो बस इस चीज़ के लिए आप हमेशा सतर्क रहें। तो ये तो थी फ्रॉड की बात, लेकिन फिर भी एक और बात शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि देखिए बहुत सारे लोग मेरे नाम से वीडियोज़ बना रहे हैं, मेरे थंबनेल यूज़ कर रहे हैं, मेरा फोटो यूज़ कर रहे हैं, मेरी वीडियो क्लिप्स लगा रहे हैं अपनी वीडियोस में। और तो हद तो उन लोगों की तब है जब वो मेरी फ़ोटो लगाकर थंबनेल पर इस तरीके से कर रहे हैं। ऐसी गलती मत करना, यानी कि मतलब मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है, बट कोई बात नहीं, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहती थी क्योंकि थोड़ी सी टेंस थी, सोचा आप लोगों को बता दूं, बट कोई बात नहीं, हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि उनकी तरह उनकी फ़ोटो यहां लगा दूं, उनकी वीडियो यहां क्लिप लगा दूं, या उनका थंबनेल आपको दिखा दूं। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूं, मैं उन लोगों जैसी सोच नहीं रखती हूं कि किसी को अपने चैनल पर इस तरीके से दिखाकर बदनाम किया जाए।
मैं यहाँ सिर्फ अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपनी वीडियोज़ पर ध्यान रखती हूँ, बाहर की चीज़ों पर मैं ध्यान ही नहीं देती। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरा काम था सिर्फ आपको इशारा देना। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।